हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्लास ऑफ प्लानिंग। योर राहुल शर्मा, योर फ्रेंड एंड गाइड। तो यहाँ पे बात करते हैं सर, थर्ड सेम की इंग्लिश ऑन स्टूडेंट्स के लिए दोबारा से आ गए पेपर से, सीरियसली दोबारा से आ गए। अब थर्ड सेम में पेपर फाइव की बात करें तो क्या पढ़ना है, क्या पढ़ने का तरीका होगा। नाउ इट्स टाइम टू चेक आउट योर बुक्स, नोट्स उठाओ, हर चीज को लो, क्योंकि अब टाइम आ गया हमें पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ना है, पढ़ने का क्या तरीका होगा, किन बेसिस को फॉलो करना है, और लिटरेचर का कौन सा पार्ट है इस बार कोर्स में, तो इंट्रोडक्शन तो चाहिए सीरियसली, क्योंकि हमें तो अभी तो कोर्स के बारे में पता ही नहीं है। फर्स्ट सेम सेकंड सेम कैसे हुआ सीरियसली नो आइडिया, बट नाउ यू थर्ड सेम फॉर पेपर होने का हम सब जानते हैं। तो यहाँ बात करते हैं किसकी, सर कोर्स कंटेंट की। पहले कोर्स को जानते हैं, उसके बाद जानेंगे क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, किसको छोड़ सकते हैं, ये सारी बातें करेंगे। तो गाइस, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर के लिए यहाँ से ज्यादा कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। तो यहाँ आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करना कुछ ज्यादा नहीं है, सब्सक्राइब के लिए सिर्फ वो सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस करो, नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर देना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना है, नहीं करना ये आप लोगों को छोड़ता हूँ। कम टू नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल द अमेरिकन लिटरेचर। नाउ व्हाट बी द अमेरिकन लिटरेचर पेपर फाइव फोर थर्ड सेम स्टूडेंट्स। द फर्स्ट थिंग द ग्लास मेनेबिया, सर ये तो कन्फर्म ऑन टिप होना चाहिए। इसमें क्या क्या पढ़ना है, प्लॉट, स्टोरी लाइन डेफिनेटली, कैरेक्टर्स, थीम्स, सिंबल्स, और इफ पॉसिबल गो विद द सर्टेन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टोरी लाइन। तो सर इसको कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, क्या ये इंटरेस्टिंग है, यस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है। द फर्स्ट टू अमेरिका ग्लास मेनेबिया में क्या क्या होगा पढ़ने वाला, उसको कैसे पढ़ना है, एंड हाउ आई एम गोइंग टू बी परफेक्ट इट। इसके लिए गाइस मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू मेक अ करेक्टर चार्ट। ये करेक्टर चार्ट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, मतलब करेक्टर चार्ट, जब मैं इन दो की बात करता हूँ, फर्स्ट टू स्टोरी लाइन्स में, दोनों में करेक्टर चार्ट बनाना बहुत जरूरी है, ये बहुत हेल्पफुल भी। वेन यू गो फॉर करेक्टर चार्ट, जिनके पास नोट्स है मेरे, वो बहुत इजीली ट्रैक कर सकते हैं। आपके पास नोट्स में करेक्टर जो है, उन करेक्टर्स को लो एक बार रीड करने के बाद, क्या करना है आपने पूरा करेक्टर चार्ट प्रिपेयर कर लेना। And while preparing the character chart, you do have the expected question answers to there. वहाँ को दिया छोड़ दो, तो उन पे काम करना। And guys, make sure themes को पहली priority पर रखना। हम बहुत easily grab कर पाते हैं basis को जब हम इन चीजों को deal करते हैं। तो पहली चीज, the first thing that comes on mind is all about here a glass meaning की story क्या होगी, आप इस story को कैसे पढ़ना है, उसमें characters क्या हैं, किन characters को highlight करना है, and how I'm going to get the best out of this storyline। इसके लिए घबराना मत, सारी videos यहीं पे आएंगी आपकी, ये सारी videos हैं। Come to next, the beloved Tommy Morrison, writing, class, narrative technique, presentation of characters, how things are going on, ये बिलव्ड है क्या, कहानी क्या, इसका बेसिक है, एंड हाउ आई एम गोइंग टू डील विद दिस पर्टिकुलर स्टोरी लाइन। इसके कैरेक्टर्स बहुत डोमिनेंट हैं। अगर आप बोलो थीम्स हाईलाइट करती है सिचुएशंस को, तो सिचुएशन मुझे बताना चाहिए, आई रियली नीड टू नो द सिचुएशन। द फर्स्ट थिंग द स्टोरी लाइन, द कॉन्सेप्ट, द कैरेक्टर्स, द थीम्स, द नैरेटिव टेक्निक, हाउ इट हैज बीन हाईलाइटेड, एंड द कैरेक्टर बिलव्ड, ये सारी चीजें थोरो नॉलेज के साथ आपको ऑन टिप पहुंचेगी। तो मैंने कहा वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट पेपर, आपने कहा पेपर फाइव, तो पहले आपने क्लास मैन को किया अच्छे से, उसके बाद बिलव्ड पे आए, बिलव्ड के कॉन्सेप्ट को क्लियर करा। जस्ट नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट बाय रीडिंग द टेस्ट अगर पॉसिबल है, नहीं तो नोट्स भी नहीं लेने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो वीडियो को फॉलो करो यार, वीडियो में साइड आता हूं। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, That's the segment of poetry. So poetry segment सबसे important है, क्यों? ज़रूर से ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ interesting है। कई poets बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। अब मैंने कहा कौन से poet हैं जिनको इनके लिए discuss करेंगे later on, अभी तो हम course content को जान लेते हैं अच्छे से, समझ लेंगे यार ये करने। और मैंने आपको वही बताया जो आपको on tip होना चाहिए। सबसे पहले ओ कैप्टन माय कैप्टन, वी लव दिस poem। आप इसको प्लीज गो थ्रू करें। कैसे पढ़ना है, हमको पढ़ने का तरीका क्या होता है, मैंने सब बताया हुआ आप लोगों को, उसको फॉलो करना आपने खाली। तो यहाँ गया ओ कैप्टन माय कैप्टन, इसको क्लियर करेंगे। देन जंप टू नेक्स्ट वन, अ सुपरमार्केट इन कैलिफोर्निया,
या द सुपरमार्केट कैलिफोर्निया, एंड हाउ आई एम गोइंग टू मास्टर ऑफ इट, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के पहले इसकी दो रीडिंग्स लेनी होगी। एनीवेज बी द मास्टर ऑफ फिगर स्पीचेस, अगर आपको इस पूरी पोएट्री को अच्छे से क्लियर करना है तो। कम टू द नेक्स्ट वन, द नीग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर्स, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है, इसको प्लीज अवॉइड नहीं करना आप लोग। दो राइटिंग गाइस पूरा लिख लेना, द नीग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर्स पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट पोएट्री में से एक पोएट्री है ये हमारी। एंड देन आई विल कम टू द नेक्स्ट वन, द साउथ, यू कैन नॉट से दैट इट्स नॉट एन इंपॉर्टेंट वन, क्यों? ऑलमोस्ट एक ही बंदे को बिलोंग करती है, द नीग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर्स एंड द साउथ। एंड देन कम टू आंट्स यू स्टोरी, आंट्स यू स्टोरी सर ये द शॉर्ट ऑफ मौत ऑफ, अब मैंने बोला यार ये क्या होता है इसको कैसे समझेंगे, इसके लिए हमेशा एक वीडियो बनाएंगे जिस पर होता लिटरेचर्स ऑन मर्स वाज दैट वीडियो, उस वीडियो प्लीज सर्च करना वो देखना। अगर आप इन पोएट्रीज को ग्रैप कर रहे हो, आप चाहते हो कि इन पोएट्रीज बहुत अच्छे समझ पाए, बहुत अच्छे ग्रैप कर लें, तो उस सारा कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा। एंड देन वी विल कम विद द नेक्स्ट, परहैप्स द वर्ड, आई रिपीट, परहैप्स द वर्ड एक्सहेल वन ऑफ द मर्स रीफ पोएट्री, नॉट एस की पेपर में आई आई, बट टू ग्रैब नॉलेज और टू गो फॉर योर एन इंस्पेक्ट, यू गाइस नीड टू रीड दिस पर्टिकुलर पोएट्री, परहैप्स वर्ल्ड एंड शेयर। एंड देन द लास्ट पोएट्री, द वुमनिस्ट, आई मिस द फेमिनिस्ट, लव दिस वन, डेफिनेटली लव दिस वन, आई गिव यू बैक, आई गिव यू बैक व्हाट यू गिव टू मी, सी दिस, आई गिव यू बैक, मैंने वो छोटा मैसेज दिया, उस मैसेज को हम कैसे पढ़ते हैं, पढ़ने का क्या तरीका होता है, एंड हाउ इट गोइंग टू क्रैक दिस, वो मैटर करता है। तो ये हो गया पोएट्री सेक्शन। सबसे पहले हमने बात की किसकी, हमने बात की स्टोरी लाइंस की, उसके अलावा है पोएट्री पे। एंड नाउ आई कम टू द लास्ट फेज, दैट इज शॉर्ट स्टोरीज, तो इसके बाद एक और फेज है, दैट इज रीडिंग, बैकग्राउंड रीडिंग्स, उसके बारे में बोलूंगा। तो पहले यहां पर बात कर लेते हैं किसकी, शॉर्ट स्टोरीज की। द पैरानॉइड लेटर, The Die September, सर इसको नहीं छोड़ सकता, The Paranoid Letter, Sicily Letter, अगर हम पढ़ते जाके अमेरिकन लिटरेचर पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे Sicily Letter, तो अमेरिकन लिटरेचर आओ वहां है वो मास्टर्स में आएगी। The Paranoid Letter, अब लेटर्स की सिग्निफिकेंस, The Story Lines from the Letters, अगेन अ शॉर्ट स्टोरी बट हैविंग लॉट्स ऑफ हिडन मीनिंग्स, हम इसको कैसे पढ़ते हैं, पढ़ने का क्या तरीका है, किन बेसिस को फॉलो करना है, एंड हाउ आई एम गोइंग टू गेट ऑल थिंग्स क्लियर, बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो यहां आ गया द पैरानॉइड लेटर जो क्लियर करना है। देन कम टू द ड्राई सितंबर, एंड व्हेन टॉकिंग ड्राई सितंबर गाइस, दिस इज समथिंग पेपर में 100% क्वेश्चन आएगा यहां से। अब आपने कितना प्रिपेयर करना है, कैसे करना है, इट्स ऑल अप टू यू। तो हमने कहा ड्राई सितंबर, एंड देन आई विल कम विद अ Everything that rises must converse. Means a short story give a message. A short story जो message दे रही है, story line ही ऐसी है. इसको clear करना है आपने. I repeat the name. Everything that rises must converse. And then I'll come to the last. The man to send rain clouds. The man to send rain clouds. Now time to discuss the background reading. पेपर में बैकग्राउंड रीडिंग आती है, डेफिनेटली आती है, आपको आनी चाहिए। सर पेपर को पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करते हैं, फिलहाल बैकग्राउंड रीडिंग के लिए आपने वो टेस्ट आपको दिया है उसको स्टडी करेंगे, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा पूरी बैकग्राउंड रीडिंग की, पेपर वाइज मीन्स इस पेपर की अलग, बाकी पेपर की अलग बैकग्राउंड रीडिंग दूंगा, उन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। अब आते हैं किसको करना है पहले, किसको करना है बाद में। तो चॉइस नंबर वन, नंबर टू गाइस लिख लेना यार, फिर मुझे बोला या मैं बोला नहीं, इट्स नंबर वन जो आना चाहिए, नंबर टू, नंबर थ्री एंड नंबर फोर, मैं नंबर डाल दी चारों की, कि आपको पहले क्या कर लेना है, हाउ यू गाइस आर गोइंग टू डी, कैसे स्टार्टअप है, नंबर कैसे क्या है। तो क्या है इस बार पेपर फिर वही क्या सब ओपन बुक टेस्ट होने वाला है, चांसेस कम है इस बार ओपन बुक टेस्ट के, पहले क्लियर करता हूँ, तो तैयारी कर लो शुरू हो। यस इट्स क्लियर, जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगी कि ओपन एग्जामिनेशन के चांसेस बहुत कम है, तो आपको अभी से प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। कोर्स सेंटर में आपको बता चुका हूँ, आपको इस पेपर का कोर्स सेंटर ऑलमोस्ट क्लियर है,
रिमेनिंग पेपर्स। व्हेन सर वी गोइंग टू अपलोड द रिमेनिंग पेपर्स, मैंने आपको पहले बोल दिया था, आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि विद इन अ वीक और टू आपको सारे के सारे पेपर्स के पूरा कोर्स सेंटर यहां मिल जाएगा। टिल देन कीप वाचिंग, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, यू थिंक इट्स वर्थ टू वॉच। बाय गाइस।